हमारे जद्दे आला अब्दुल्ला इल्माज जो इमाम हसन मुसन्ना के साहबजादे हैं, उनसे पूछा गया कि आप किस लिए अपने आप को सबसे बरतर समझते हैं, क्या दलील है आपके पास? सुनिए मेरे जद्दे आला का, अली हजवेरी के जद्दे आला का जवाब सुनिए। सादात भी बड़े फिरते हैं, ये बात मैं जो पेश कर रहा हूं सुनिए। फरमाया कि कभी हमने तो नहीं कहा कि हम अफजल हैं तुमसे, हमने कभी कहा है? तुम बताओ कि तुम्हें अगर अल्लाह ताला इख्तियार देता इस पूरी कायनात में किसके घर तुम्हें पैदा किया जाए, तवज्जो चाहता हूं, अगर अल्लाह ताला तुम्हें इख्तियार देता कि इस कायनात में तुझे किसके घर पैदा किया जाए तो तू किसको तरजीह देता? कहने लगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर को, कि या अल्लाह मुझे इस घर में पैदा कर क्योंकि ये अफजल कायनात है, खैरुल वरा है जी, मुसाफिर शबे असरा है जी, शबे असरा का दूल्हा है, इसके घर मुझे पैदा कर। अल्लाह ना वास्ते ही किसी कटिया ने कार पैदा ना करी, इन्हें कटिया जाता लोगों ने बिच पैदा ना करी, मां कमली वाले ने आली शान खानदान च पैदा करी। तेरी आरजू है कि नहीं, उसी के नहीं? उस आके हां अखे तू आरजूआ करे, तू आरजू करता, हमें मुफ्त में अल्लाह ने उस घर में पैदा कर दी। तो बता कि अफजल हमने अपने आप को कहा है या तू ऑटोमेटिक हमें अफजल समझता है? खुद ब खुद तू हमें अफजल समझते पर मजबूर है, क्योंकि हमारा दादा सबसे अफजल है, हमारा जद्दे आला सबसे अफजल है, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन है, शफीउल मुज़निबीन है। तो इसलिए तू हमें खुद बड़ा समझता है, हमने तो कभी नहीं कहा। तो इसलिए मैं खानदान का इसलिए जिक्र करूं कि खानदान बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं माज़अल्लाह कुछ किब्र नहीं कर रहा अपनी जात के लिए कि मैं ये हूं वो हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इतना है कि उस खानदान से ताल्लुक है मेरा। मेरे रगो पै में भी सैयदा जहरा का कोई कतरा पाक खून जो है वो गर्दिश कर रहा है। याद रख, तू अगर मुझे गाली देगा तो मेरी मां को देगा, और सादात की मां कौन है? सैयदा फातिमतुज जहरा है। अब तेरी मर्जी है, जहां बोल तेरी मर्जी अपनी। तो मैंने कहा क्या है? खानदान विच पैदा कर, आला खानदान विच। तो क्या है मुफ्ती साहब? कि अल्लाह ताला मां उस खानदान विच पैदा कीता है कि करबला शुरू हुए ते आख्या आया शाह सवार घोड़े ते, हाय हाय आया शाह सवार बैठा रन विच विजने आते, ते क्या मंजर आ मैं उस खानदान ना, तू अपना दादा कड़ कौन है? सुनो, दादा कौन है, नाना कौन है? ए जुलाए पानी हरकत ना गई ना तेने चुने, अरबियां के आख्या के लोइन अल हाइकूना अला खम्स खिसाल फालूहा, लोइन अल हाइकूना अला खम्स खिसाल फालूहा, लिख 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 फालिक लिख बेमया हिन तरहूहा, बबे रिच लैन फतिक तिक बबे रासिन हरकूहा, कतलू ना कतसाले सुम जाऊ कसमूहा। Yeah, see,
समझ आई ते तेरा तो ये हाल है जरा अरबी शायर बयान कर गया मैं ना आपे सोची लुकदा खोल के ते मेरा खानदान कह रहा है कि सवार होया सामने फौज है ते अंदर इश्क दी मौज है ते निगाहे इश्क दा औज है औज दरियाए इश्क औज पर है दरिया नहीं बैठा घोड़े ते ते के आया के कपड़ों से आ रही थी रसूले जमन की बू हुसैन मेरा दादा जिस वेले चढ़िया घोड़े ते कपड़ों से रसूले जमन की बू कपड़ों से आ रही थी रसूले जमन कपड़ों से आ रही थी रसूले जमन की बू हैदर की फातिमा की हुसैनो हसन की बू और फैली हुई थी चार तरफ पंज तन की बू गुल झूमते थे बाग में रिजवां बहिश्त में गुल झूमते थे बाग में बहिश्त में गुल झूमते चढ़न ते लोगां कोलू गड्डे मांग के ते पासे दोवां पासे सिट्टे लमकने होने नो ते मेरा दादा घोड़े ते चढ़ना ते कपड़ों से आ रही थी रसूले जमन की बू हैदर की फातिमा की हुसैनो हसन मैं मजमून और मुकामे ते आया ते इस जौ का ना मुकायो गल मैं मुकाने ते आया गल मुकने जोगी नहीं है इस गल्ला मुकाने वाले खुद मुकमिन ने
एक गल नहीं मुकनी, गल मुकी है कि नहीं, बोल गल मुकाई कि नहीं। मैं इस गल मुकाने वाले मुक गए, एक गल नहीं मुकी, एक गल नहीं मुकी, शुरू मदीने तू हुई है किंज मुके। ओए पानी या पिछू मदद मिलनी विजे ना, ते पानी कराची तक पहुंच बिना। पिछू माल मिलना रहे, कुमकानी रहे, ते पोले पाले टुरना कराची पहुंच बिना। पिछे मुक मंजे ते दो कदम भी नहीं टुरना, उथे ही खुशक हो बिना। तुसी ओ पानी हो जिन्ना ने पिछे ऐ कुछ नहीं, किसी समुंदर नाल, किसी टूटी नाल, किसी चश्मे नाल तल्लक ही नहीं। ते पानी उंज भी मुक गया, अखियां विच भी मुक गया। तुसी कदे रोए हो? तुसा ना ते कार मां प्यो मर गए, उन्हां ते नहीं रोने हो? अगे मोया मरदूद ना फाता ना दरूद जाओ, और तुसी अपने जमने वाले ते नहीं रोने वाले हो? कमली वाले ते कोई खुश नसीब रोसी, करबला वालियां ते खुश नसीब कोई ओसी, जिसने अपने कार तियां पैना है न, और ओसी ज़ैनबे कुबरा मा, और ओसी असगरे बेशीरा, और समझ आई? तेरा बच्चा ही नहीं, अव्वल तू इन नशाने हो का हो अल्लाह तरनी औलाद बिचू, तेरा उतरा तेरी औलाद ही नहीं, क्योंकि नबी का दुश्मन है। या तेरा जिक्र मुक गया है, तो या तेरा खानदान मुक गया है, या तेरा नाम मिट गया है, या तेरा निशान मिट गया है। ते ए जिक्र नहीं मिट सकना, इस पिछू मदीने तू मदद आ रही है, निस्बत दी मदद आ रही है, रूहानी मदद फैज आ रहा है। असां दा बयान नहीं मुकना, ए मौलवियों गल सुनो, मां पता है तुसी मेरे को चंगे बोलने हो, पर अज मां सुनो मेहरबानी।